अगर यहाँ सरकारें होती, अगर यहाँ एनसी पीडीपी कांग्रेस किसी की सरकार होती तो ये बीजेपी वाले रोड से नहीं उठते। आज बीजेपी कहाँ है? यहाँ पे दो एमपी दोबारा से जीते हैं, वो लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? मेट्रो वाला नेता कहाँ पर है आज? वो लोगों के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा? अगर इस तरह के हालात रहे, एलजी साहब को हमने समझा दिया है अपना इस्तीफा दो, जम्मू कश्मीर तुम्हारे से नहीं संभाला जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर का हमें एलजी चाहिए, या हमें जम्मू कश्मीर का कोई भी एलजी दे दो, बीजेपी का ही दे दो, मगर हमें यूपी बिहार का कोई बंदा नहीं चाहिए। यहाँ पे जम्मू का बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गया, हम ऐसा हमारी जान दे देंगे। वैष्णो देवी में जब गौर मिलिटेंसी थी तभी वैष्णो देवी यात्रियों पर किसी ने अटैक नहीं किया। हम कहते हैं कि आज ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि कश्मीर की सारी मिलिटेंसी जो सिमट होकर पुंछ जोड़िया जम्मू में आ गई, और कठुआ जैसा पीसफुल शहर जिसमें हमारे बोले हिंदू माओवादी वहाँ आकर वो मिलिटेंसी अगर ऐसे करते। क्योंकि चार दिनों में चार अटैक मिलिटेंटों के होना ये शर्मसार है, सिक्योरिटी फेलियर है। एलजी साहब सो रहे हैं और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सो रही हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि चार अटैक रेगुलर इकट्ठे हो और इनकी कोई भर में पूछना ही नहीं चाहता? हम आपके माध्यम से केंद्र और एलजी सरकार की हम पीडीपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देखते हैं पीडीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं बताता चलूं आपको, यहां पे पुलिस के साथ इनकी झड़प हो रही है, ये रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से जो चार दिन में चार आतंकी हमले हुए उसके पीछे सरकार को ये जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन ये कार्यकर्ता जो है वो एक सुनने को तैयार नहीं है और ये रोड ब्लॉक करने की तरफ जा रहे हैं। गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के पास ये जो है नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं को रोकने की लेकिन पीडीपी कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं है, आगे जाने से रोक रहा है। कि हमने लाठी कर दी है, नया जम्मू कश्मीर बना दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक कौन सा नया जम्मू कश्मीर है कि जम्मू में मिलिटेंसी बन चुकी है, रियासी में, जम्मू शहर में। तो आज सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि आज सरकार जवाब दे कि सरकार बताए इस मिलिटेंसी के लिए कौन जिम्मेवार है, अगर जिम्मेवार है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कहते हैं कि जो वैष्णो देवी में जब गौर मिलिटेंसी थी तभी वैष्णो देवी यात्रियों पर किसी ने अटैक नहीं किया। हम कहते हैं कि आज ऐसी कौन सी स्थिति होगी कि कश्मीर की सारी मिलिटेंसी जो सिमट होकर पुंछ जोड़िया जम्मू में आ गई और कठुआ जैसा पीसफुल शहर जिसमें हमारे बोले हिंदू माओवादी वहाँ आकर वो मिलिटेंसी अगर ऐसे करते हैं इसलिए। आप देख सकते हैं ये जो कार्यकर्ता है ये रोड पे बैठ गया, इनके हाथ में प्ले कार्ड भी है जिसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागो, नींद खुले। क्योंकि चार दिनों में चार अटैक मिलिटेंटों के होना ये शर्मसार है, सिक्योरिटी फेलियर है। एलजी साहब सो रहे हैं और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सो रही हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि चार अटैक रेगुलर इकट्ठे हो और इनकी कोई भर में पूछना ही नहीं चाहता? हम आपके माध्यम से केंद्र और एलजी सरकार की नींद खोलना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस इन्हें उठाने की कोशिश कर रही है, नेशनल हाईवे पे ये बैठे हुए हैं। एक तरफा जो है ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है, मतलब ट्रैफिक जो है यहाँ से जा रही है लेकिन एक तरफ जो है ये बैठ चुके हैं। पुलिस कोशिश कर रही है इन्हें उठाने की लेकिन कार्यकर्ता एक सुनने को तैयार नहीं है। और आपको बताता चलूं कि इनका ये कहना है, इनका प्रोटेस्ट करने का आज मेन मकसद यही है कि चार दिन में चार अटैक हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है, इनका कार्यकर्ताओं का ये कहना है। और कोशिश देखिए आप पूरी की जा रही है इन्हें उठाने की लेकिन आज इन्होंने जम्मू में मिलिटेंसी ला दी, कभी नरवाल में आतंकवादी मिल रहे हैं, कभी इस्लामा में, कभी कठुआ में, आखिर ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नींद क्यों नहीं खोल रही है? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल फेलियर हो चुकी है। एलजी साहब को जवाब देना चाहिए, जहाँ एलजी साहब को वापस चला जाना चाहिए। जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? एलजी को वापस जाना पड़ेगा। अगर एलजी वापस नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को साइड कर दिया है और पहले ये रोड ब्लॉक करके बैठे थे, नेशनल हाईवे जो था ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी लेकिन अब पीडीपी के कार्यकर्ताओं को एक साइड पे कर दिया गया। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है, अब पहले यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लग गया था लेकिन अब ट्रैफिक जो है थोड़ी थोड़ी चलना शुरू हो गई है वापस से। आप लोग कहाँ हैं आज? कहाँ है सरकार का तंत्र और कहाँ है और क्या परेशानी है कि आज जम्मू कश्मीर, जम्मू जो पीसफुल इलाका था वहाँ मिलिटेंसी बन रही है? यह भारतीय जनता पार्टी की जम्मू के लोगों को देन है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से बेनती अपील करना चाहते हैं कि आप आइए हमें बताइए कि आपसे क्या मशक्कत कहाँ है और ये क्या वजह है कि मिलिटेंसी जो है जम्मू में बन रही है।
370 के बाद आतंकवाद खत्म होगा ये कहा था भारतीय। तो आपने देख लिया कौन सा खत्म हुआ है 370 के बाद? तो जम्मू जैसे पीसफुल इलाके में मिलिटेंसी पनप चुकी है। और ये अब्दुल्ला का भी बयान आया पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, अब वक्त है लेना की कार्रवाई से हल नहीं होगा। देखिए हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो आज कह रहे हैं, हम तो 99 से कह रहे हैं ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। और इस बात को वाजपेयी साहब ने भी माना था, मोदी आज भी डीजीएमए लेवल पे बातचीत तो हो रही है तभी बॉर्डर पर सीज फायर है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सीज फायर है, बातचीत कीजिए, लेकिन जम्मू में मिलिटेंसी अगर पनप रही है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी साजिश हो रही है हमारे जम्मू जा रहा है। देखिए जनाब, जब से हमारे एलजी साहब जम्मू कश्मीर में आए हैं, आपके सामने आपने कभी सुना जम्मू में इतने अटैक होते हैं? 72 घंटे के अंदर 3 बड़े-बड़े अटैक हो गए। आज भी यहाँ पे पता चलता है कि नरवाल में मिलिटेंट आ गए हैं, कभी पता चल रहा है सतवारी में आ गए हैं। यहाँ के बच्चे अपनी फैमिली लेके जम्मू के लोग सुरक्षित होते थे, कभी जाते थे बेमाहौल बच्चों के साथ, कभी आए बच्चे सुरक्षित ही नहीं है, कहाँ जाए माहौल बना हुआ जम्मू में? जम्मू में ऐसा हमने कभी नहीं, अगर यहाँ सरकारें होती, अगर यहाँ NCP PDP कांग्रेस किसी की सरकार होती तो ये बीजेपी वाले रोड से नहीं उठते। आए बीजेपी कहाँ है? यहाँ पे 2 MP दोबारा से जीते हैं, वो लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? मेट्रो वाला नेता कहाँ पर है आज? वो लोगों के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा? अगर इस तरह के हालात रहे, एलजी साहब को हमने समझा दिया है अपना इस्तीफा दो, जम्मू कश्मीर तुम्हारे से नहीं संभाला जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर का हमें एलजी चाहिए, या हमें जम्मू कश्मीर का कोई भी एलजी दे दो, बीजेपी का ही दे दो, मगर हमें यूपी बिहार का कोई बंदा नहीं चाहिए। यहाँ पे जम्मू का बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गया, हम ऐसा हमारी जान दे देंगे। ये तो पहले एक ट्रेलर था, पहले तो जो होता था कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, जम्मू रीजन सेफ था, लेकिन अब जो जम्मू को ही टारगेट किया जा रहा है, ये तो कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो चुका है, आज आतंकवाद कश्मीर में है ही नहीं, फिर ये कहां से आ रहा है? इसका मतलब बॉर्डर आज सुरक्षित नहीं है? आज किस पे सवाल खड़े हो रहे हैं? हमारे CRP के जवान मारे जा रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे, एक 6 साल का 3 साल का बच्चा मर गया, उसके माँ बाप के क्या बीतेगी? बच्चा किसी का भी हो सकता है जनाब, किसी का भी, मगर ये दिन होने नहीं चाहिए। राजनीति एक तरफ रखो, एलजी साहब से नहीं संभाला जा रहा, मैं एलजी साहब को बोल रहा हूँ वापस चले जाएं, इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम लोग अपने तरीके से भेज देंगे।